सत श्री अकाल दर्शकों, दर्शकों तुसीं सब जानते हो कि 14 अप्रैल नूं असीं विसाखी का त्यौहार बहुत धूमधाम नाल मनाने हैं, पर इस त्यौहार की साढ़े धर्मां विच साढ़ी जिंदगी विच की महत्ता है, इस बारे अज असीं गल करांगे। विसाखी ना बनिया विसाख तो। विसाखी का त्यौहार पंजाब विच ही नहीं, हर उस मुल्क विच मनाया जाता है जिथे पंजाबी वसदे ने। विसाखी के त्यौहार की जिथे सिखां दे और हिंदू धर्म विच एक बहुत वड्डी महत्ता रखता है, उत्थे ही साडे किसानां दी जिंदगी विच वी विसाखी का त्यौहार एक वड्डी महत्ता रखता है। फसल के कट्टण की खुशी विच जदों किसान नचदे गाउंदे ने, उस नूं विसाखी का त्यौहार कहा जाता है। इस करके विसाखी का त्यौहार पंजाब ते उसके आस पास के प्रदेशों विच मनाया जाण वाला सब तो वड्डा त्यौहार मन्या जाता है। फसलों के पकण का प्रतीक है त्यौहार विसाखी। तो इस दिन तो बाद कणकां दी और फसलों की जो कटाई है, जो वाढ़ी है, वह भी शुरू हो जाती है। दर्शकों, तुसीं सब जानते हो कि प्रकृति का नियम है कि जदों भी अत्याचार, जुल्म, अन्याय वध जाता है तो उसका हल का भी कोई ना कोई कारण जरूर बन जाता है। इस नियम के अधीन जदों मुगल राज दौरान औरंगजेब वालों अत्याचार की हर सीमा पार हो गई, उदों सिखां दे दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों सिखां दे तीसरे तखत तखत श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब विखे 13 अप्रैल 1699 नूं खालसा पंथ की स्थापना की गई ते अत्याचार तों समाप्त किया गया। इस करके सिखां वालों विसाखी का त्यौहार समूहिक जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वाहेगुरू। हिंदू धर्म विच भी विसाखी के त्यौहार की बहुत वड्डी महत्ता है, क्योंकि यह मन्या जाता है कि हिंदू धर्म लई यह जो दिन है वह नव वर्ष है। कहा जाता है कि हजारां साल पहले देवी गंगा इस दिन धरती ते उतरे सन, ते उन्हां दे सन्मान लई हिंदू लोग पवित्र इस्नान लई गंगा दे कंडे इकट्ठे हुंदे हन। विसाखी दे त्यौहार नूं मनाउण लई विशेष नगर कीर्तन भी कड्डे जांदे हन। गुरद्वारा साहिब विखे धार्मिक समागम करवाए जांदे ने, जिथे लखां दी तादाद विच संगतां पुजदियां ने। अतुट लंगर भी वरताया जाता है संगतां लई। कई थावां ते विसाखी दे त्यौहार लई भारी मेले भी लगते हैं। पंजाब प्लस की पूरी टीम वालों थोनू सारयां नू विसाखी दियां बहुत बहुत मुबारकां।